पृथ्वी हाँ चलो शॉर्ट कर दिया इसको, जिसको खींचना है ना वो खींच ले एकदम फर्स्ट क्लास। अब मैं आपको शॉर्टकट ले चलता हूं। अब शॉर्टकट वाले यहां देखे, मेरे पास 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और अप टू n है। तो व्हाट आई एम डूइंग, एडिंग 1 सर अपनी मर्जी से, अपने जेब में से, यस अप टू। तो मुझे इस तरफ भी क्या करना पड़ेगा, एक ऐड करना पड़ेगा। व्हाट एवर प्रोसेस आई डू ऑन लेफ्ट आई बाउंड टू डू ऑन राइट। देखा करो बराबर ध्यान से, यहां पे 1 ऐड किया तो वहां पे भी 1 ऐड किया। बट इन डूइंग सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो n टर्म थे ना n, उसमें मैंने 1 ऐड किया तो यहां पे कितना टर्म हो गया वो बताओ। आई एडेड 1 ऑन द लेफ्ट, आई एडेड 1 ऑन द राइट, बट पहले n टर्म नहीं थे, पहले n टर्म थे, मैंने एक टर्म ऐड किया। एक टर्म मतलब कि 1 नहीं, एक टर्म ऐड किया, ऐड किया n प्लस 1। ओके फाइन गुड, बस अभी शांति रखो। टोटल टर्म हो गए एन प्लस वन। अब मैं आपकी याददाश्त करवाऊं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11, जहां आपने एस एन इक्वल टू एन स्क्वेयर प्रूव किया था। एस एन इक्वल टू एन स्क्वेयर कैसे आया, तो कि और नंबर है ना। अब मैं यहां पे थोड़ा रुकता हूं और 3 फॉर्मूला वापिस से, जो लोग एब्सेंट थे नहीं समझ में आया वो वापिस बता दूं। सब लोग यहां देखना, अगर नेचुरल नंबर है ऑल द स्टूडेंट्स, मैं आज आपको काफी डिटेल में बताऊंगा, नेचुरल नंबर है तो क्या आएगा बराबर, ऑड नंबर है तो फॉर्मूला क्या आएगी, और इवन नंबर है तो फॉर्मूला क्या आएगी। जरा ध्यान से सुनो और गोख लो, ऐसे भूखना नहीं होता है पर कुछ कुछ लोगों को ये जरूरी है। ये सेम फॉर्मूला है सबके लिए जो आप लोगों को लर्न है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर नेचुरल नंबर है, नेचुरल मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो व्हाट इज एन, तो के सर एन ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 में व्हाट इज ए, तो के 1। व्हाट इज डी, भाई डी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 में डी क्या होगा, 1 1। चलो ओके फाइन फाइन, बाद में तुरंत म्यूट हो जाने का। 2 1 2, एन 1 एन माइनस 1, एन बाई 2, एन 2 माइनस 1 आपका हो गया एन प्लस 1 या तो 1 प्लस एन। ये आपकी गॉस की फॉर्मूला, जिनको थोड़ा बहुत याद है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल, ए मतलब के पहला नंबर, एल मतलब के लास्ट नंबर। याद रखो जब नेचुरल नंबर की फॉर्मूला है राइट, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 हो तो आपकी ये फॉर्मूला है। अब हम लोग और पे आते हैं, और पे, तो और नंबर की फॉर्मूला क्या है, ओके सेम एन बाई 2, और में पहला नंबर कौन सा, तो के 1, और में डिफरेंस कितना भाई, और में डिफरेंस कितना, 2। गुड 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 गुड, एन बाय 2, 2 प्लस 2n कैसा आया, 2n माइनस 2, ये 2 और ये 2 गया, एन बाय 2 इंटू 2n, 2 2 कट, तो क्या हो गया ऑड नंबर की फॉर्मूला। आप एक्सरसाइज 5.3 चेक करना, एक सम था 17 का स्क्वायर 289 था और n का n इंटू n n स्क्वायर था। जब भी कोई ऑड नंबर देखो राइट, आप उसका फॉर्मूला याद रखो n स्क्वायर। तभी मैंने इवन का भी बताया था, तो इवन का बोलो, हाँ चलो, इवन नंबर में पहला नंबर कौन सा होता है, इवन नंबर में 2, गुड, और डिफरेंस कितना होता है इवन नंबर में वो भी बता दो,
वो भी टू होता है, टू फोर सिक्स एट, उसमें वन थ्री फाइव सेवन, तो ये टू, एन बाई टू, टू टू सा फोर, टू एन माइनस टू, एन बाय टू, फोर माइनस टू हुआ टू प्लस टू एन, क्या इसमें मैं कॉमन निकाल सकता हूं? सर आपका बोर्ड जो करना हो करो, क्या ये टू टू कैंसिल हो गया? तो देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, नेचुरल नंबर है तो फॉर्मूला है एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, ऑड नंबर है तो फॉर्मूला है एन स्क्वायर, और इवन नंबर है तो एन इंटू ओनली वन प्लस एन, एन इंटू ओनली वन प्लस एन। वापिस से बता दू, नेचुरल नंबर हो तो एन बाई टू इंटू एन प्लस वन, ऑड नंबर है तो एन स्क्वायर, और इवन नंबर है तो एन इंटू वन प्लस एन। अब मैं आपको बताऊं यहां पे जो शॉर्टकट मेथड बताने वाला था, ये किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, बिकॉज यहां पे मैं वापिस सम की ओर जा रहा हूं। ऑड नंबर की फॉर्मूला क्या बताई आपने? ऑड नंबर की फॉर्मूला एन स्क्वायर, एन स्क्वायर है बराबर। अच्छा यहां पे कितने टर्म है? ऑड नंबर की फॉर्मूला आपने बताई एन स्क्वायर, पर यहां पे टर्म कितने हैं? एन प्लस वन, और यहां पे 288 प्लस 1 कितना हुआ? 289 किसी का स्क्वायर है ना सर? 17 का स्क्वायर है, 17 दोनों का स्क्वायर रूट ले तो n प्लस 1 इक्वल टू कितना आया? 17, और ये 1 उस तरफ गया तो n इक्वल टू 16। चेक करो वही आंसर है जो आगे हमने किया था फैक्टराइज करके, राइट? चॉइस इज योर्स, आपका n इक्वल टू 16 आ गया, क्लियर? अब हम लोग दूसरा एक एमसीक्यू की ओर जाते हैं, राइट? क्वेश्चन नंबर 6, फोर नंबर्स, फोर नंबर्स आर इन एपी, देयर सम इज 72 एंड द लार्जेस्ट ऑफ देम इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। तो आपको वो चारों नंबर फाइंड करने हैं, फाइंड द नंबर्स। चलो क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो कि एपी में क्या क्या है। हमने अगर तीन टर्म वाला था तो क्या सपोज किया था? थ्री टर्म है तो a माइनस डी, a और a प्लस डी, कितने टर्म के लिए? थ्री टर्म के लिए। यहां पे कितने टर्म है? फोर। तो फोर के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो यहां लिखना फोर टर्म के लिए a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी, सब में दो दो का गैप है, यहां देखा। जब इवन टर्म हो माय डियर स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से देखो, इवन टर्म हो तो ऐसे सपोज करो, ऑड टर्म हो तो कॉन्सिक्यूटिव करो। आई रिपीट, और है तो गो ऑन कॉन्सिक्यूटिव बराबर, और इवन है तो a माइनस थ्री डी, बीच में गैप रहा, a माइनस टू डी नहीं है, देखो a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस थ्री डी, यहां पे भी a भी नहीं है। अगर मान लो ये फोर टर्म है, फोर टर्म, फोर मतलब के इवन, भाई फाइव टर्म हो तो आप क्या सपोज करेंगे? फाइव टर्म हो तो मैं आपको बताऊं, a माइनस टू डी, a माइनस डी, a ए प्लस डी एंड ए प्लस टू डी, कोई गैप नहीं बीच में, कोई गैप नहीं,
a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। मान लो कि फाइव टर्म है, फाइव राइट, तो और हो गया वो थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फाइव, सिक्स टर्म हुआ तो क्या होगा, सिक्स टर्म। तो यहां आपको लेना पड़ेगा a माइनस फाइव डी, आगे a माइनस फाइव डी और पीछे a प्लस फाइव डी, आपका सिक्स टर्म हो गया। इन शॉर्ट इवन हो तो एक एक छोड़ के सपोज करो राइट, और ऑड है तो ऐसे कंटिन्यूस सपोज करो। चलो तो हम लोग सपोज करते हैं फोर टर्म इवन के लिए। अब उसने बोला है फोर नंबर इसका समेशन 72 है, a माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी इक्वल टू 72, डी थ्री डी डी थ्री डी, फोर ए आ गया आपका 72, मतलब के आपका a आ गया 18, जिसको मैं 1 करके छोड़ देता हूं। अब उसने क्या बोला है, लार्जेस्ट ऑफ देम, लार्जेस्ट सब में कौन सा है, तो कि a प्लस थ्री डी लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट ऑफ देम इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन है, a माइनस थ्री डी, तो a प्लस थ्री डी इक्वल टू टू ए माइनस सिक्स डी। इसमें आप इसको इस तरफ ले जाओ तो 2a माइनस ए हो गया, ये 3d उस तरफ हो गया तो माइनस 9d इक्वल टू जीरो। कैसे, ये a उस तरफ गया तो 2a माइनस ए ए, 3d उस तरफ गया तो माइनस डी, ए हमारे पास है यस, तो 18 इक्वल टू 9d, मतलब के आपका d भी आ गया 2, d 2 a 18। अब जरा ध्यान से देखो, चारों टर्म फाइन करने हैं। पहला टर्म है a, भाई जिसको थोड़ा कम समझ में आता है वो बराबर देखो, 3 इंटू टू सिक्स हुआ, मतलब कि a 12, a 18 माइनस टू कितना हो गया 16, a 16 प्लस राइट 18 प्लस टू कितना हो गया 20, और 3 टू 6 24, तो आपके नंबर कौन से आए 12 16 20 24। अच्छा सम था ये भी राइट, कीप ऑन डूइंग दैट। आगे देखते हैं, नाउ जो भी नंबर होगा, इफ 2k प्लस 1 कॉमा 13 कॉमा 5k माइनस 3 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, फाइंड k। अब देखो थ्री कॉन्सिक्यूटिव टर्म के लिए जरा ध्यान से एक फॉर्मूला भी देखो और मेथड भी देख लो, ऐसे फिर मैं आपको दूसरे सम्स दूंगा राइट, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है, बी केयरफुल। चल यहां देखो, 2k प्लस 1 13, आपके पास अगर a b और c थ्री कॉन्सिक्यूटिव टर्म है तो एक फॉर्मूला बनता है, टेक्स्ट बुक में लास्ट में है, देखना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, हुआ ए बी डी और ओ बी डी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ये b को आप उस तरफ ले जाओ तो b प्लस बी टू बी, और ये a को इस तरफ ले जाओ तो a प्लस सी, दैट मीन्स b इक्वल टू आपका हो गया a प्लस सी बाय टू। एक समरी में देखोगे अपनी टेक्स्ट बुक खोल के तो आपको एक ऐसा मिलेगा, अभी का अभी चेक कर लो सर झूठ बोल रहे हैं कि नहीं वो पता चल जाएगा, b इक्वल टू a प्लस सी बाय टू बराबर। तो डायरेक्टली a कौन, तो कि ये a, ये b और ये c, व्हाट इज योर b 13, What is your A?
टू के प्लस वन. वट इज योर सी? फाइव के माइनस थ्री अपॉन टू. थर्टीन टू सा 26. टू के एंड फाइव के 7k. वन माइनस थ्री माइनस टू. माइनस टू को उस तरफ ले जाओ तो प्लस टू. 7k इक्वल टू 28. तो k आपका बन गया 4. बहुत ही अच्छा सम है, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट वन. तो देख लेना इसके जैसा आपको एक ढूंढ के दूं. k प्लस वन 8 और k प्लस 9 आर इन कंटिन्यूएशन इन एपी. फाइंड k करके दो. k इक्वल टू 3. करेक्ट. वाव, दैट्स ग्रेट. अच्छा है. अब देखो किसी को अगर फॉर्मूला, एक्चुअली तो यही मेथड अच्छी है, बेस्ट है, फिर भी मैं बता दूं अल्टरनेटिव में हमेशा बताता हूं. जिनको ये अच्छा नहीं लगे तो क्या करने का, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म. मैंने ये फॉर्मूला बताई, यही इस्तेमाल करना. बट अगर किसी को ऐसा लगे नहीं सर दूसरा आप बोल रहे थे बताया तो है ही नहीं. ये 9 माइनस 8, 8 माइनस 1, 7 माइनस के हुआ इक्वल टू के प्लस 1 हुआ. 2k इक्वल टू 6 हो गया. 2k इक्वल टू 6, तो k कितना आया?